हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुर लता पुरी, लेक्चरर, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल डेपिलेटरीज, क्रीम्स एंड वैक्सेस। आज का हमारा टॉपिक कॉस्मेटिक साइंस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड BC204 के यूनिट नंबर 6 से लिया गया। अवांछनीय बालों को हटाने की दो विधियां हैं, पहली है डेपिलेशन मेथड और दूसरा है एपिलेशन मेथड। डेपिलेशन मेथड, इस विधि में बालों को सतह से हटाया जाता है। बालों को सतह से हटाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वह डेपिलेशन कहलाती हैं। इन मेथड के एग्जांपल हैं शेविंग, डेपिलेटरी क्रीम, सोप्स, हेयर रिमूवर क्रीम आदि। एपिलेशन मेथड, बालों को हटाने की यह दूसरी विधि है। इस विधि में बालों को जड़ से हटाया जाता है। बालों को जड़ से हटाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें एपिलेशन मेथड कहते हैं। एपिलेशन मेथड के एग्जांपल हैं प्लकिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोलिसिस आदि। केमिकल डेपिलेटरीज, केमिकल डेपिलेटरीज वे प्रिपरेशन है जो अवांछनीय बालों को ब्रेक डाउन करके हेयर फॉलिकल की नेक से बालों को रिमूव करती है। ये प्रोडक्ट अवांछनीय बालों को 2 से 5 मिनट में ही सॉफ्ट बना देता है। जब इस क्रीम को सतह से हटाया जाता है या रिंस किया जाता है तो अवांछनीय बाल स्किन से आसानी से रिमूव हो जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ केमिकल डेपिलेटरीज, केमिकल डेपिलेटरीज इन फॉर्म्स के अंदर उपलब्ध हैं। पहला है जेल, दूसरा है क्रीम, तीसरा है लोशन, चौथा है एरोसोल, पांचवा है रोलोन और नेक्स्ट है पाउडर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल डेपिलेटरी क्रीम, एक आदर्श डेपिलेटरी क्रीम में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में जानेंगे। एक अच्छी क्रीम चुनिंदा क्रिया करने वाली होनी चाहिए, कम ही समय में, थोड़े समय में ये प्रभावशाली और जल्दी क्रिया करने वाली होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव त्वचा पर नहीं होना चाहिए, नॉन एलर्जिक होनी चाहिए। इसके उपयोग से त्वचा पर किसी प्रकार की कोई एलर्जी, रेशेज या दाने नहीं होने चाहिए, ऑर्डरलेस होनी चाहिए, गंधहीन होनी चाहिए। इस क्रीम को आसानी से त्वचा पर अप्लाई किया जा सकना चाहिए और आसानी से रिमूव किया जा सकना चाहिए। क्रीम स्टेबल होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए और त्वचा पर जब इसे अप्लाई किया जाए और रिमूव करने के बाद यह त्वचा पर किसी प्रकार के कोई दाग धब्बे नहीं छोड़ें, इस प्रकार की क्रीम होनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ डेपिलेटरी क्रीम, डेपिलेटरी क्रीम का संगठन। डेपिलेटरी क्रीम बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की, अवयव की आवश्यकता होती है उनके बारे में जानेंगे। पहला है इनऑर्गेनिक सल्फेट्स। इनऑर्गेनिक सल्फेट्स के एग्जांपल हैं सोडियम, कैल्शियम, बेरियम सल्फाइड्स, स्ट्रोंशियम सल्फाइड्स। सेकंड इंग्रेडिएंट है थायोग्लाइकोलेट्स। इनके एग्जांपल हैं कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट और लिथियम थायोग्लाइकोलेट। अगला अवयव है स्टेनाइड्स। स्टेनाइड्स के एग्जांपल हैं सोडियम स्टेनाइट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एंजाइम, इनका उदाहरण है केरेटिनाइज्ड। नेक्स्ट है ह्यूमक्टेंट। ह्यूमक्टेंट के एग्जांपल हैं ग्रीस रोल, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आदि। केमिकल डेपिलेटरी क्रीम के सक्रिय अवयव हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड और थायोग्लाइकोलैक्टिक एसिड हैं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट केराटिन के अंदर मौजूद डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं और बालों को हाइड्रोलाइज करते हैं, जिसके कारण बाल आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं।
पहले सल्फाइड जिसे स्ट्रोंशियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता था, इसकी दुर्गंध के कारण इसके स्थान पर थायोल्स का प्रयोग किया जाने लगा। डेपिलेटरी क्रीम में 5-6% थायोग्लाइकोलेट का प्रयोग किया जाता है और इसकी पीएच को 12 तक मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। डेपिलेटरी क्रीम के प्रोसेसिंग में 10 मिनट का समय लगता है और डेपिलेटरी क्रीम डर्मल पेपिला को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, जिसके कारण बाल पुनः वृद्धि करते हैं। फॉर्मुलेशन: स्ट्रोंशियम सल्फाइड 20 ग्राम, टैल्क 20 ग्राम, मिथाइल सेलुलोज 3 ग्राम, ग्लिसरीन 15 ग्राम, वाटर 42 ग्राम, परफ्यूम QS एंड प्रिजर्वेटिव QS। डेपिलेटरी क्रीम का फॉर्मूला जानते हैं, इसको बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है और कितनी मात्रा इनकी चाहिए वो देखते हैं। कोकोनट अल्कोहल 6.5%, कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट 5.4%, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 7%, सोडियम लोरियल सल्फेट 0.02%, सोडियम सिलिकेट 3.43%, परफ्यूम QS, वाटर टू मेक 100। बनाने की विधि: सबसे पहले पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब पानी में सोडियम लोरियल सल्फेट और फैटी अल्कोहल लगातार हिलाते हुए इसे मिलाएं जब तक कि ये उसमें मेल्ट ना हो जाए। अब इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें। टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और परफ्यूम को मिलाएं और अब इसमें अंत में कैल्शियम थायो ग्लाइकोलेट मिलाएं और इसे लगातार हिलाते रहें जब तक कि यह मिक्सचर यूनिफॉर्म एक समान नहीं हो जाए। डेपिलेटरी पाउडर: डेपिलेटरी पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट 20%, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 23.1%, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड 8.9%, सोडियम लॉरियल सल्फेट 1.5%, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोस 1%, मैग्नीशियम कार्बोनेट 45.2%, परफ्यूम 0.3%। प्रोसीजर: कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लॉरियल सल्फेट और हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोस को मिक्स करें, इसे अच्छे से मिक्स करें। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट में परफ्यूम को मिलाएं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। वैक्सेस: वैक्सेस का प्रयोग एपिलेशन मेथड के द्वारा अवांछनीय बालों को रिमूव करने के लिए किया जाता है। वैक्स को स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। वैक्स को स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में अप्लाई कर हेयर ग्रोथ के अपोजिट इसे पुल करने पर अवांछनीय बाल स्किन से रिमूव हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सेस: वैक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोल्ड और हॉट सॉफ्ट स्ट्रिप वैक्स, दूसरा है हॉट हार्ड स्ट्रिपलेस वैक्स। हॉट सॉफ्ट वैक्स: इस प्रकार का वैक्स लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इसे स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो यह गर्म होता है और इस वैक्स की एक पतली फिल्म स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। इस वैक्स को हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है और रिमूव करते समय स्ट्रिप को हेयर ग्रोथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल किया जाता है। कोल्ड स्ट्रिप वैक्स: कोल्ड स्ट्रिप वैक्स हॉट सॉफ्ट वैक्सेस की तरह ही कार्य करती हैं। इस प्रकार के स्ट्रिप के अंदर पहले से ही वैक्स या शुगर बेस्ड सब्सटेंस की कोटिंग की जाती है और इसे स्ट्रिप को स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में चिपकाकर इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करने पर हेयर को रिमूव किया जाता है। हॉट हार्ड वैक्स: हॉट हार्ड वैक्स की मोटी परत त्वचा पर अप्लाई की जाती है। इस वैक्स को गर्म त्वचा पर अप्लाई किया जाता है
और यह वैक्स ठंडा होने पर हार्ड हो जाता है और फिर इसे हाथ से खींचकर इस वैक्स को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार के वैक्स को छोटे एरिया के स्ट्रोंगर मोटे बालों को या कठोर बालों को रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स उपयोग में लाने के लिए तैयार होती हैं, रेडी टू यूज होती हैं। इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्ट्रिप को सीधा स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है और इसे जल्दी से रिमूव कर लिया जाता है। इसको अप्लाई करना आसान होता है और इसका प्रोसेस क्विक होता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस को बनाने के लिए जिन अवयवों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार से है। हेयर बाइंडिंग एजेंट्स, स्किन कंडीशनिंग एंड स्किन प्रोटेक्टिव एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट, थिकनर्स, कलरेंट्स एंड फ्रेग्रेंसेस। एपिलेटिंग वैक्स, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इंग्रेडिएंट है रोजिन 75% और बीज वैक्स है 25%। एपिलेटिंग वैक्स का फॉर्मूला देखते हैं। इंग्रेडिएंट है रोजिन 52%, बीज वैक्स 25%, पैराफिन 17%, पेट्रोलेटम 5% और परफ्यूम 1%। रोजिन, वैक्स और पेट्रोलेटम सबको मिलाकर इसे मेल्ट किया जाता है और जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है तो इसमें परफ्यूम मिला दिया जाता है और इसे सूटेबल मोड्स के अंदर भर दिया जाता है। इस प्रकार के वैक्स को पिघाल कर मेल्ट करके स्किन सरफेस पर बालों को रिमूव करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।